आगामी 28 तारीख को कांग्रेस पक्ष का स्थापना दिन है। इसी दिन महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पक्ष का स्थापना दिन मनाना ये उनका अधिकार है, मगर कांग्रेस कुछ भी कर ले 2024 भाजपा ही जीत कर आएगी और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 28 तारीख को कांग्रेस को अपना स्थापना दिवस मनाने का अधिकार है। वो अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाने का उनको अधिकार है, वो मनाए, उसके लिए हमारा किसका विरोध नहीं है। उसी दिन नागपुर से ही बिगुल फूका जाएगा लोकसभा का, ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो नागपुर से फूको या किधर से भी फूको, लेकिन वो बिगुल फूकने से कोई होगा नहीं। वो बिगुल मतलब 2014 तक नहीं बचता रहेगा, वो 2014 तक उसका जो स्ट्रेंथ होगा खत्म हो जाएगी। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी अच्छी सीटें लेकर सत्ता में आ जाएगी। हमें विश्वास है कि 400 तक सीटें हमें मिल सकती है। और विपक्ष जो है इंडिया के नाम से गठबंधन चला रहा है, चलाए मतलब वो मीटिंग लेते रहे, उसमें हमारा विरोध नहीं है। विपक्ष लोगों को भी सत्ता में आने का अधिकार होता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कई साल सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस 60-70 साल सत्ता में रही थी, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के कारण मतलब एनडीए सत्ता में आई है। दो बार उनको सत्ता मिली है, तीसरी बार भी सत्ता मिलेगी, चौथी बार मिलेगी, पांचवी बार मिलेगी। और जब तक कांग्रेस वीक है तब तक मतलब नरेंद्र मोदी जी का सामना करने की ताकत इसमें नहीं है। और वो प्रयत्न करे सब लोग मतलब मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए, जनता तय देख रही है। और अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़े राज्यों में बीजेपी को बहुत ही अच्छा सफलता मिली है। और 2018 में मतलब ये पांचों राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, उसके बावजूद भी मतलब जनता ने मोदी जी को देख कर वोटिंग किया था और बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को कम से कम 325 से ज़्यादा सीटें मिली थी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भी मतलब तीन राज्यों में तो बीजेपी सत्ता में आई है, ये एक राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तेलंगाना में, लेकिन 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि हम 400 तक सीटें जीतेंगे।